15 नंबर वार्ड के काफी समस्या है, नाले चाहती हूँ, विश्वास कीजिए, विश्वास करके देखिए यहाँ पर। यहाँ का कॉन्टेस्ट जीतते हैं पैसे के बल पर सब कुछ, बाकी ये चीज अच्छा नहीं है, बिजनेस बना लेते हैं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास पर दुनिया चल रही है। मेरा आग्रह है जनता से कि वो नेता चुने, न कि बिजनेसमैन चुने, व्यापार चुने। वोट देने वाला महान व्यक्ति होता है, उसको हम लोग भगवान की तरह देखेंगे। और लखिंदर जी जो है उनका सपना कुछ और है, ये वार्ड को स्वच्छ और अच्छा बनाना। कि आज जीत गए, कल उसके हम पीछे पीछे बौआएं और मेरा सुने नहीं कि रोड की समस्या है, रोड पर नाली का पानी पूरा रोड पर भरा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज और मैं हूँ समय उला चंपाड़नी। अभी हम पहुंचे हैं नगर परिषद चकिया के वार्ड नंबर 15 में और हमारे साथ देखिए एक प्रत्याशी हैं, लेडीज प्रत्याशी चंदा देवी, जो वार्ड पार्षद 15 के तौर पे आ रही है, विकास करने आ रही है। क्या मुद्दा इनका है, क्या कुछ काम करना चाहती हैं, सीधे मैं इनसे बात करेंगे। चंदा जी स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 15 नंबर पूरे वार्ड को नमस्कार करती हूँ। ये बताइए, आप वार्ड पार्षद के तौर पर आ रही है, क्या कुछ लगा आपको, क्यों खड़ा हो रही है चुनाव में आप? 15 नंबर वार्ड के काफ़ी समस्या है, नाली रोड बनवाना चाहती हूँ। काफ़ी समस्या है, बारिश हो रहा है, रोड पर पानी है, नाला के पानी पूरा रोड पर चल रही है, मैं वो सब ठीक करना चाहती हूँ। इंदिरा आवास पर काफ़ी परेशानी बता रहे हैं, आप इसको किस रूप से देख रहे हैं? हम आएंगे तो एक रुपया नहीं लेंगे। एक एक किस्त पर लोगों को 25,000 रुपया देना पड़ रहा है, बात सही है? ये पैसा लिया जाता है 25-50 करके, 50 तक लिया जाता है। कैसे विश्वास हो कि आप नहीं लीजिएगा, सारा लोग यही बोल रहा है? विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए हम पर। मतलब गरीबों का हक मिल जाएगा बिना रिश्वत के? जी। ये बताइए, वार्ड में आप घूम रही हैं, लोगों की तरफ से क्या समर्थन मिल रहा है, क्या लोग कह रहा है, लोग वाकई आपको वोट करेगा, लोग मौका देगा? जी, पूरा पूरा हमको विश्वास है, लोग हमको वोट देगा। देखिए, चंदा देवी जो कैंडिडेट है उनके पति हैं, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो बहुत अच्छा है। लखिंदर जी जो वार्ड में जो काम हारते हुए भी जो अभी जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। और रहा बात की यहाँ का कॉन्टेस्ट जीतते हैं पैसे के बल पर सब कुछ, बाकी ये चीज़ अच्छा नहीं है, बिजनेस बना लेते हैं, बाकी यहाँ तो बिजनेस बनाना नहीं है। मेरा पत्नी खड़ा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि काम अच्छा से हो, ये पूरा वादा है। और एक रुपया घूस घास का ये नहीं, जो पब्लिक का हक है वो कहने में उसको हम लोग दिलवाएंगे, जो मेरा हक होगा वो अपना ये है समाज के लिए करेंगे। भाई पब्लिक का हक में एक रुपया कोई दिक्कत होगा तो पब्लिक हमारे दरवाजा पाकर जवाब दे सकते हैं। पक्का? पक्का, एकदम श्योर। कैसे विश्वास करें गुप्ता जी, सारा लोग तो यही कह रहा है कि हम काम करेंगे, विश्वास करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, समस्या दूर होगा। फिर आप पर जो है वार्ड नंबर 15 की जनता कैसे विश्वास करे? विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास से पर दुनिया चल रही है। विश्वास नहीं है तो एक बार तो मौका दीजिए, विश्वास नहीं होगा तो फिर दोबारा आगे अपना पब्लिक सोचेगा। विश्वास तो करना ही, विश्वास से पर है दुनिया चल रहा है। चंदा देवी के निवेदक हमारे साथ हैं, ये पूरी जोश के साथ और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और वार्ड नंबर 15 के विकास करना चाहते हैं ये लोग। क्या नाम हुआ? लखिंदर राम। लखिंदर राम, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देख रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब मेरा आग्रह है जनता से कि वो नेता चुने, न कि बिजनेसमैन चुने, व्यापार चुने, यही मेरा आग्रह है। आपके नज़र में वार्ड नंबर 15 की क्या समस्या है? बहुत समस्या है, बहुत एकदम मैंने गंदा समस्या है। नहीं, यहाँ नहीं विकास के तो नाम पर समझिए तो ठगा गया है, कोई विकास नहीं, बस वोट को खरीदना है और वोट को बेचना है। इंदिरा आवास में लोग आरोप लगा रहे हैं। जी, सही? बिल्कुल सही है, हमने तो इस पर जांच भी बैठवाया था। कुछ लोग है कि लोग नहीं बोल पाता है मीडिया के सामने, तो मीडिया क्या करे। लखिंदर जी बताइए, जीतने के बाद जो है सबसे पहला काम कौन सा होगा आपकी तरफ से? मेरे तरफ से सबसे पहले पब्लिक, जो पब्लिक है जो भटकता है दूर दूर वोट देने के बाद में यहाँ के नेता लोग के पीछे पीछे, ये मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। वोट देने वाला महान व्यक्ति होता है, उसको हम लोग भगवान की तरह देखेंगे। क्या नाम हुआ? पवन कुमार। पवन जी, चंदा देवी का चुनाव का माहौल किस तरह का है? चंदा देवी के चुनाव का माहौल बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही जोश और उल्लास के साथ आई है,
लखिंदर राम जी इनको लेके आए हैं, निवेदक जो हैं, और लखिंदर जी जो है उनका सपना कुछ और है, ये वार्ड को स्वच्छ और अच्छा बनाना। इस वार्ड में बहुत ही समस्या है, 15 नंबर वार्ड में। इसमें जो है इंदिरा आवास में बहुत ही ठगी हुआ है जनता से, जो ठेला रिक्शा चलाता है उसको भी नहीं बख्शा गया है, उससे भी 25,000 रुपया घूस, 50,000 रुपया घूस लिया गया है। नाला भी, नाला का भी जो है बहुत ही बदतर हाल है। नल जल जो है लगा है लेकिन उससे पानी नहीं आता है, पानी जो है वार्ड कमिश्नर के घर में चला गया। ठीक है, यही सब है। क्या लगता है चंदा देवी सब समस्या को दूर करेगी? बिल्कुल, वो आएंगी तो अपने ये टोटल समस्या, नाली, नल जल, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये टोटल फ्री और कॉस्ट काम करेंगे हम लोग निस्वार्थ। देख लीजिए कैमरा में बोल रहे हैं, पैसा नहीं लीजिएगा? 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं लेंगे हम। गिरा करके हम लोग पड़ताल करेंगे एकदम, बिल्कुल। 5 साल बाद फिर जो है हम लोगों को साइड कीजिएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय जी, चुनाव में सारे लोग घूम रहे हैं, आपका समर्थन किस तरह से है? मेरा समर्थन है कि हमारी 15 नंबर की जो भी वार्ड पार्षद हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा तमाम जनता से कि आप शिक्षित, सुयोग, कर्मठ, ईमानदार उम्मीदवार को अपने वार्ड में लाएं, जो काम करने वाला हो। ये नहीं कि आज जीत गए कल उसके हम पीछे पीछे बौआएं और मेरा सुने नहीं। तो वैसे व्यक्ति को हम उस वार्ड में ला रहे हैं जो कि हर काम को बखूबी अंजाम देंगे। जैसे कि रोड की समस्या है, रोड पर नाली का पानी पूरा रोड पर भरा हुआ है, एम्बुलेंस फंस जाती है, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत अगर उस रोड से चली तो उसके पेट में अचानक दर्द हो जाता है, ऐसे ऐसे गड्ढा है रोड पर जैसे कि पेट में अचानक दर्द हो जाता है। ये जो पैसा आ रहा है मेंटेनेंस के नाम पर, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है? ये सभी जो वार्ड पार्षद हैं, उपसभापति थे, सब उनके घर में जा रहा है, उसके पहले चेयरमैन थे उनके घर में गया है। क्या लग रहा है इस बार चंदा देवी को किस रूप से लोग देख रहे हैं, मौका देगा लोग? मैं तो आग्रह करूंगा अपने 15वां वार्ड के सभी जनता से कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, और मेरी पूरी दिली कामना है, हार्दिक इच्छा है कि हम 15 नंबर वार्ड को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, डिजिटल वार्ड बनाना चाहते हैं। मेरा सपना यहीं तक सीमित नहीं है, मेरा सपना है कि हम इससे और आगे बढ़ें। अगर हम 15 नंबर वार्ड को साफ सुथरा, स्वच्छ, हाईटेक पर काम करेंगे तो मेरा सोच आगे है कि हम जब काम करेंगे तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। क्या जनता वाकई इनको मौका दे रही है और क्या ये चुने जाएंगे वार्ड पार्षद, देखने वाली बात होगी। तमाम तरह की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एचटीवी न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो HTV News 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीला चंपाड़ी।